हेलो बड़ी। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आज आज की जो वीडियो है वो जॉब के ऊपर में ही है, लेकिन इनका जो सैलरी है बहुत हाई है। अगर आपको जॉब मिल गया तो आपका लाइफ मानो सेटल्ड हो गया, क्योंकि इनमें जो मिनिमम सैलरी है थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा, सेम कंसेप्ट है। तो चलो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन कैटेगरी इसमें डाल सकते हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो एजुकेशन के हिसाब से तो सब में रहता है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें सब कैटेगरी डाल सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी के आदमी डाल सकते हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, EWS, PWD और अंडर रिजर्व जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो सबको ही डाल सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सेम कंसेप्ट है। और जो जो जॉब रिक्रूटमेंट निकला है वो जो कंपनी का नाम है NIC, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, वो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ सेम है। तो इसको कंप्लीट जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा ये वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन को फॉलो करके फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, आपको पहले भद्रक डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल में जाना है, ऑफिशियल पोर्टल में। तो मैं यहाँ पे पहले से ओपन किया हूँ, देखिए ओडिशा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, भद्रक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है। सिंपल सा मैं रिक्रूटमेंट ऑफ, इसमें पोस्ट वैकेंसी दिया गया है 495 पोस्ट इन NIC, टाइटल रिक्वायरमेंट पोस्ट दिख रहा है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर फिल ऑफ द साइंटिस्ट पोस्ट इन NIC, स्टार्टिंग डेट March 4 से था, एंड डेट हम लोग का 30 अप्रैल तक है। तो इस यहाँ से व्यू करने से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे पहले से क्लिक करके रखा हूँ, तो ये नोटिफिकेशन का दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल पोर्टल पे जा रहा हूँ, ऑफिशियल पोर्टल पे जाके डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ। तो ये हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, जो कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ NILET, वही सेम है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स सब दिया गया है, पोस्ट का जो भी हम लोग क्राइटेरिया है, सैलरी बेसिस सब इधर दिया गया है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो पहले आपको यहाँ पे जाना है सिंपली से, उसके बाद यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट सीरियल नंबर 1-2, पोस्ट नेम, टोटल वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ऊपर पढ़ेंगे आपको जो भी पढ़ना है। नीचे देखिए साइंटिस्ट बी ग्रुप ए SNT लेवल 10 RS 56,102, हाँ 1,77,000, 77,500 बेसिक सैलरीज हैं। इसमें टोटल 288 हम लोग का पोस्ट, उसमें अंडर रिजर्व जॉब की हम लोग जनरल के लिए 119, SC के लिए 43, ST के लिए 21, OBC जो NCL कैटेगरी में आते हैं उनका 77, EWS के लिए 28 और PWD के लिए 12 पोस्ट है। टोटल हम लोग का होगा 288 पोस्ट, तो सैलरी आपको दिख रहा होगा। उसी तरह पोस्ट सीरियल नंबर 2 में जाएंगे तो साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट ए, ये हम लोग का साइंटिस्ट बी था, ये टेक्निकल और साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए है, जो कि ग्रुप बी में भी आता है ये। ST लेवल 6 है, इनका जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 35,400 से लेके 1,12,400, इसमें टोटल पोस्ट वैकेंसी जो है 207, अंडर रिजर्व के लिए 86, SC के लिए 31, ST के लिए 15, OBC और NCL जो बोलते हैं उसके लिए 55, ESW के लिए 20 और PWD के लिए 9। तो पहले हम लोग कैटेगरी 1 के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखेंगे, एजुकेशन डिटेल्स क्या क्या चाहिए। तो एलिजिबिलिटी बोला गया है डिग्री एंड फील्ड और स्पेशलाइजेशन सिंगल और इन कॉम्बिनेशन अमंग द बिलो ओनली, तो वो बोल रहा है कि जो ये पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इतना उन लोग को क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, और ये पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का साइंटिस्ट बी पहला जो सीरियल नंबर है उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन डिटेल्स जो वो है बी बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटेक और DOEACCB लेवल और AMIE और GIET और MSc और MCA और ME और MTech और MPhil,
ये तो हम लोग का हो गया डिग्री होल्डर, लेकिन उन किस में डिग्री होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये उन लोग का ट्रेड है। ये तो आप लोग का हो गया डिग्री, इतना हम लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ये उन लोग का ट्रेड। अगर इनमें से आपका ट्रेड किसी में भी क्वालिफाइड है तो आप इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं। आप एक बार अगर इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो सैलरी देखिए आपका लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। तो ठीक है, ये हम लोग का पहला था। सेकेंड है हम लोग का साइंटिफिक जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, उनका एलिजिबिलिटी देखेंगे। उसमें भी सेम है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ टेक्निकल, एमएससी, एमएस और एक एमसीए। इसमें भी जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक इंफॉर्मेटिक्स। तो ये है ट्रेड। सेकेंड के लिए सेकेंड जो ट्रेड दिया गया है, फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट ट्रेड दिया गया है। तो एजुकेशन को आप लोग डिटेल्स में देख लीजिए, आप इनमें से अगर क्वालिफाइड हैं तो आप फॉर्म भरिए, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और उसी के हिसाब से सैलरी भी। अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो हो गया लाइफ सेटल, क्योंकि सैलरी देखिए नीचे कुछ दिया गया है। देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल एट https://www.calicut.nilet.in/nic फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेड, रिजर्वेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एटसेट्रा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल एट nilet.gov.in और meity.gov.in और recruitment.nic.in और ccdisabilities.nic.in। एप्लीकेशन फॉर द एबव पोस्ट विल बी रिसीव्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 26/12/2020, मतलब 26/12 से स्टार्ट है, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26/3, मतलब क्लोज हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, ये हम लोग का पहले का नोटिफिकेशन है। तो हम लोग का जो रिसेंट, देखिए यहाँ पे 30 मेंशन किया गया है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो ये साइट में जाके आप लोग एक बार चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो पीडीएफ फॉर्मेट में पहले से अपडेट किए थे तो ये एडिट अभी नहीं हो सकता क्योंकि ये पीडीएफ हो गया है। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे जाके एक बार चेक कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखिए हम लोग का recruitment.nic.in यहाँ पे लिखा गया है, recruitment.nic.in, मैं वहीं पे आया हूँ वो लोग का रिक्रूटमेंट पोर्टल में। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर इसको क्लिक करेंगे तो सेम चीज आएगा। यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, नेशनल डायरेक्ट टू रिक्रूटमेंट बेसिस। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NILET NIC, जो भी डेट दिया गया था रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट असिस्टेंट ए इज एक्सटेंडेड टू 30 अप्रैल 2020। तो क्लियर हो गया आपका, जो डेट यहाँ पे दिया है, दिया हुआ है वही सेम डेट है। तो इसको देख के घर पे ये मत कि डेट खत्म हो गया बोल के। अगर आपको फिल करना है तो सिंपल से जाइए ये वाला साइट में और फिल कीजिए। अगर फिल करते हैं तो आप हो सकता है क्वालिफाई करते हैं, अगर क्वालिफाई होते हैं तो जॉब आपको मिल गया, अगर जॉब मिल गया तो हो गया स्वाहा। तो ठीक है, आप जॉब पे ही है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है पहले से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, और यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।